What do we say when we see many birds flying in the sky? जब हम sky में बहुत सारी birds को उड़ते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं A flock of birds is flying in the sky. Flock of birds sky में उड़ रही हैं. तो जो word flock है वो stand करता है group of birds के लिए. तो flock एक collective noun है. Nouns that name groups of people, animals or things are called collective nouns. वो नाउंस जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल या थिंग के बारे में हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस एनिमल्स और थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. पर्संस के ग्रुप को या एनिमल्स के ग्रुप को या एक ही तरह की चीज़ों के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैमिली बंच फ्लीट और टीम ये सभी कलेक्टिव नाउंस हैं. कुछ कलेक्टिव नाउंस जैसे कि हर्ड और पैक को हम अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे भेड़ियों के ग्रुप को अ पैक ऑफ वुल्व्स कहते हैं. हाथियों के झुंड को हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं. कार्ड्स के कलेक्शन को अ पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं. इसी तरह कैटल गाय भैंस के ग्रुप को हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं. सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड कलेक्टिव नाउंस आर टीम ऑफ क्रिकेटर्स अ फ्लीट ऑफ शिप्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स या अ बुके ऑफ फ्लावर्स अ गॉगल ऑफ ग्लासेस अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अ क्रू ऑफ सेलर्स A school of fish, a choir of singers, a school of whales, a bundle of sticks, a crowd of people, a gang of robbers, a herd of cattle, a mob of people, a wardrobe of clothes, an army of soldiers, a jury of members, a bunch of grapes, a library of books, a galaxy of stars, a litter of puppies, a hive of bees, a flock of sheep, a troop of monkeys, a forest of trees, a heap of pebbles, a cloud of dust, a bunch of keys, a pride of lions, a pair of jeans, a pile of papers.